हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो फ्रेंड्स, बहुत दिनों बाद आज वीडियो बना रहा हूँ, व्लॉग बना रहा हूँ और राइड पे भी जा रहा हूँ क्योंकि काफ़ी टाइम से गया नहीं। बीच में डेली गया था तो उस चक्कर में भी व्लॉग नहीं बना पाया क्योंकि कोई राइड ही नहीं मारी। तो आज राइड मार रहा हूँ, 25 दिसंबर है, क्रिसमस का दिन है। राइड मारने जा रहा हूँ मैं दलाई हिल्स जो है मसूरी में। तो फ्रेंड्स, मैं पहुँच गया हूँ चक्राता रोड पर। तो ये है चक्राता रोड और फ्यूल टॉपअप करना है, उसके बाद टॉपअप करके आशीष से मिलना है मुझे जंक्शन के बाद जो मसूरी कट पे। तो चलते हैं फटाफट। तो फ्रेंड्स, फेस्टिवल है आज, क्रिसमस है, पूरा देहरादून सड़कों पे आया हुआ है, निकला हुआ है, सब लोग घूम रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। बस ये बीमारी ना होती तो लोग और ज़्यादा इन्जॉय कर रहे होते, रिस्ट्रिक्शंस कम होती। इस बीमारी ने सबकी हालत ख़राब कर दी है। तो ऐसे दोस्तों, आशीष तो मुझे मिल गया है। अब चक्कर यह है कि हमने देखा है गूगल में, मैप में देखा तो मसूरी की एंट्री तो पूरी जैम पैक्ड है, एटलीस्ट 2-3 किलोमीटर का जैम है और उससे पहले भी कई जगह पे ऑरेंज है, यानी कि कई लोकेशंस हैं, कई टर्न्स हैं, मतलब जहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है अभी। तो हमने क्या डिसाइड किया कि जहाँ तक होगा जाएंगे और आशीष के टीम में कॉन्फिडेंस बनाते हुए शुरू किया 2-3 किलोमीटर। आशीष ने काफ़ी धीरे चलाया, अब अच्छा चला रहा है आशीष भाई कॉन्फिडेंस में। रोक रही है, चलो आगे रोकते हैं। आशीष की डिमांड है कि बाइक रोकी जाए और फोटोज खींची जाए। चलो, तो यही मौका है, यही मौका है मारो चौका। तो फ्रेंड्स, मैं और आशीष ने, जैसे आशीष की वही डिमांड थी कि चाय पीनी है तो रुके हैं, हम दोनों चाय पी ली है और व्यू दिखाते हैं, बहुत अच्छा है यहाँ से, बहुत अच्छी लोकेशन है। तो चाय हम ख़त्म कर चुके हैं, हमने जानवर के दिन दिखाई कि हमने क्या चाय पी, सीक्रेट रहेगा, बट व्यू दिखाते हैं, बहुत अमेजिंग है यहाँ पे। तो ये है व्यू, कितने किलोमीटर आ गए होंगे हम ऊपर? 20 आ गए, 20 किलोमीटर्स आ गए हम नीचे से। हाँ, तो अराउंड इतना आ गए हम और ये बहुत अच्छी लोकेशन है। ये भी आशीष की रिकमेंडेड है जगह, आशीष यहाँ रेगुलर आते रहते हैं तो यहाँ से व्यू बहुत अच्छा, वाकई बहुत अच्छा व्यू है, पूरी वैली दिखती है यहाँ से और बहुत जैम भी लगा हुआ है, पूरी रोड पे दिख रहा है यहाँ से। तो बस हम भी निकल रहे हैं दलाई हिल्स के लिए, आगे देखते हैं कितना सक्सेसफुल होता है आज का टूर। तो चलें, चलो जी। तो दोस्तों, टी ब्रेक के बाद चल चुके हैं हम दोनों और दलाई हिल्स की तरफ, मसूरी की तरफ। बस अब मसूरी पहुँचने वाले हैं, 1 या 2 किलोमीटर रह गया है। यहाँ भी बुरा हाल है पहाड़ों में, यहाँ भी जैम ही जैम है, जैम तो नहीं है, स्लो मूविंग ट्रैफिक है, तभी ऑरेंज दिखा रहा था। बहुत लोग आ रहे हैं, बहुत लोग जा रहे हैं। तो दलाई हिल्स के लेके करने हैं, जब मसूरी पहुँचते तो पहला सर्कल पड़ता है, उससे आपको स्ट्रेट आना है, मीन्स सेकेंड एग्जिट कह लो, सो लेफ्ट निकलता है किस कहीं और माल रोड जाता होगा शायद, एंड देन सेकेंड आपको सेकेंड एग्जिट लेना जो स्ट्रेट ही आता है। अब देन उसके बाद स्ट्रेट आते रहो और ये दलाई हिल्स वाली रूट पे आप पहुंच जाओगे। हाँ, किधर किधर जाना है? दोस्तों, पहुंच गए हम क्या नाम दलाई हिल्स की पार्किंग में। तो पार्किंग है पीछे एरिया पूरा, हमने बाइक्स लगा दी यहाँ पर, उसमें देखा आपने, हम निकल के आ गए। आशीष तो आगे भागने लगे फटाफट, आशीष भी तेज़ करता हूँ। तो अरे आशीष आगे आगे, कितना है आशीष यहाँ से?
700-800 मीटर है। चलो जी, तो मैगी पॉइंट एज यूजुअल पहाड़ों का। ये पहली झलक जो आपको मिलती है दिला हिल्स पहुंच के। एंड देन ओके, और चढ़ना है। मेरे पीछे मसूरी व्यू। कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो ये पूछ रहा हूँ। वहाँ जा रहे हो तो नीचे की तरफ जा रहे हो, ऊपर जा रहे हो? ये पूरे ऊपर चढ़ के जाना है। विंटर लाइन का हल्का सा व्यू जो भी स्टार्ट होना शुरू हुआ है विंटर लाइन, सिर्फ जैसे सनसेट होगा और अच्छा दिखने लग गया। तो वो टॉप तो जाना है, तो लेट्स गो। तो ये है व्यू अगर दला हिल जस्ट पीछे है, और सामने वैली का व्यू, होटल्स, घर, छोटी छोटी दुकानें सब दिख रही हैं। हो चलो। तो फाइनली यस, आशीष हमें ले आए खींचतान के दिलाई फाइनली। बट आशीष अभी एक हफ्ता पहले आए थे, दोबारा अचानक फिर कैसे मान गए आने के लिए? नहीं नहीं, ये प्लेस ऐसी है कि कभी भी आ सकते हैं, कितने दिन भी आ सकते हैं। हाँ बढ़िया है, बस हमने दूर भी नहीं है ना। हाँ दूर भी नहीं है, दूर भी नहीं है, और ट्रैकिंग भी ज़्यादा नहीं है। ट्रैकिंग भी नहीं है ज़्यादा, थकान वो तो दिख रहा है ना, सामने स्पॉट दिख रहा है ना, वो जो स्पॉट दिख रहा है हाँ, वो तो जॉर्ज एवरेस्ट है। जॉर्ज एवरेस्ट है। इनको थुमटा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्या रैक्स को? पता नहीं क्या बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं यार, थुमटा या थुमपा ऐसे भी बोलते हैं। ओ वाह, काफी नीचे तक लोग गए हैं यार। हम भी चलते हैं। और क्या, वो पूरी जिंदगी निकल जाती है। तो भाई ये नई अपडेट मिली आशीष लोकल गाइड से कि ये जो नीचे दिख रहा है जहाँ पे ट्रैक है, ये हाँ लबास नगर के है जहाँ पे आईएएस ऑफिसर्स की ट्रेनिंग होती है। तो ये है वो स्पॉट, बहुत अच्छी लोकेशन पे। यहाँ पे जो ट्रेनिंग मिलती होगी उसका अलग ही मज़ा है, मन से ट्रेनिंग लेते होंगे लोग। और अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। ओ तो ये मान लो कि जॉर्ज एवरेस्ट के एकदम पैरेलल पहाड़ पे है ये, बट आई थिंक जॉर्ज एवरेस्ट की हाइट ज़्यादा है उससे। ठीक है तो चलते हैं आगे। और कुछ बताओ आशीष यहाँ के बारे में। जब भी यहाँ पर आओ तो शूज़ अच्छे पहन के आप देखिए, यहाँ पे फिसल जैसे जस्ट अभी फिसले जैसे आपने अभी देखा। हाँ और यहाँ पे कह सकते हैं, और इवन पैर मुड़ने का बहुत ज़्यादा पिस्तों के चांस है ना। और यहाँ पे एक हो सकता है, कहते हैं कि नज़र हटी दुर्घटना घटी। तो वो बुद्धा की मूर्ति है वहाँ पे, और उससे स्ट्रेट हम नीचे आ गए। और ये सामने जॉर्ज एवरेस्ट की वैली, और ये विंटर लाइन स्टार्ट हो गई है, बट क्योंकि हम थोड़ा हाइट में नहीं है इस वजह से हमें पूरी क्लियर नहीं दिख रही। बट ये हमारे सामने हमसे ज़्यादा ऊंचे पहाड़ है। हाँ तो उस अगर हम जॉर्ज एवरेस्ट में होते तो वहाँ बहुत अच्छी और बहुत क्लियर दिखती। तो वही जॉर्ज एवरेस्ट है, उसके बाद क्लाउड नाइन, देन उसके बाद भजास टेम्पल, एंड देन इस तरफ आपका पूरी हिमालय रेंज। हिमालय खैर बहुत दूर है यहाँ से, बट ये रेंज यहाँ से स्टार्ट हो जाती है सामने यहाँ पे। हाँ यहाँ पे बर्फ गिर रखी है, दिख रहे हैं, बट अभी थोड़ा क्लाउडी है इसे सिर्फ कैमरा में नहीं आएगा। अल्टीमेट प्लेस। तो दोस्तों वक्त हो गया वापस जाने का, अंधेरा हो गया है, और लेकिन अंधेरे के बावजूद यहाँ लोकेशन और प्यारी लगी है। पीछे जो मैं दिखा रहा था आपको लबासना, सॉरी अगर आपको यहाँ पे फुल फॉर्म में ढूंढ के डाल दूंगा इसमें, लाल बहादुर शास्त्री ऐसा कुछ। हाँ लाल बहादुर शास्त्री कुछ है।
अगर आपको क्या बोलते हैं बिना पढ़ाई करे आईएएस बनना है तो यहाँ से डायरेक्ट जम कर सकते हैं, डायरेक्ट कैंपस में पहुँच जाएंगे, आईएएस के कैंपस में पहुँच जाओगे। और बहुत सुंदर हो गया अभी वैली, इतना अच्छा लग रहा है। ये देखो नीचे अभी अभी लाइट अप हुआ था ना, ऐसा लगता था रनवे की लाइट जैसे ऑन होती है, वैसे रनवे की लाइट लग रही है बिल्कुल। और ये विंटर लाइन, बट हाँ नहीं से कवर नहीं हो पाया क्योंकि हम थोड़ी हाइट पे, कम हाइट पे, और ये और हाइट पे रहेंगे तो ज़्यादा अच्छे से दिखेगा। बाकी अब चलते हैं पर हिल्स की तरफ, ये सॉरी दलाई हिल्स की तरफ जहाँ पे बुद्धा की मूर्ति है। एंड देन प्लान ये कि देखते हैं कुछ कहीं पे देहरादून का फेमस एज यूजुअल ट्रेडिशनल मोमोज या सूप कहीं जाके खाते पीते हैं फिर घर निकलेंगे। तो ये है बुद्धा की मूर्ति जो यहाँ बनी हुई है, हालांकि जो यूजुअल आप मॉन्स्ट्री में देखोगे उतनी सुंदर वेल मेंटेन नहीं है क्योंकि हाइट पे से थोड़ी अनटच्ड है अभी भी, और अभी भी लोग आ रहे हैं यहाँ पे इसको देखने के लिए। तो ये सामने का व्यू, पूरी सिटी लाइट अप हो गई है और सिटी का टाउन लाइट अप हो गया है और बहुत सुंदर लग रहा है। ये भी अच्छा खासा जैम लगा हुआ है, मसूरी से भी 1.5 किलोमीटर ही नीचे आए हैं और अभी भी लोगों का आना लगा हुआ है, कॉन्टीन्यूस लोगों का जाना भी लगा हुआ है। क्रिसमस न्यू ईयर ऐसी जगहों टाइम पर अगर आपको किसी लोकेशन पे आना है तो बेटर है कि उस दिन ना आके उसे एक दिन पहले आ जाओ या उसके एक दिन बाद, बहुत आने वाले लोग भी होते हैं, पहले आ जाओ और ताकि आपको आराम से पार्किंग वगैरह मिल सके, क्योंकि पहाड़ों में यूजुअली लोग एक बार गाड़ी पार्क कर दी तो अगले दिन लोकल ट्रांसपोर्ट ले लो और घूम लो, गाड़ी के चलाने टेंशन मत रखो। तो बेस्ट ये रहता है कि एक दिन पहले पहुँच जाओ जब आ ही रहे हो तो। और तो दोस्तों हमने एक ब्रेक ले लिया है, टी ब्रेक अगेन। तो ये रोड जा रही है और ये मसूरी सामने, और काफ़ी पूरी देहरादून वैली है मसूरी रोड पे वैभव नाम से। तो अच्छा है, खाली है तो इसमें हम लोग ही आ गए, तो अब शीश के फ्रेंड भी आ गए सारे। अब चाय ऑर्डर करिए फिलहाल, बाकी खाने पीने का देखते हैं क्या मंगाते हैं।